नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये क्लिप है उस दिन का जब मैं करवा चौथ के दिन मेहंदी लगवाने गई थी। उससे एक दिन पहले एक तो मेरे घर में इतने काम फैले हुए थे और मैं खुद बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हूँ, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर। कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। कोई काम ऐसा नहीं है जो मुझे ना आता हो और आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है। कई लेडीज़ के कॉमेंट मैंने आज पढ़े, एक आप यहाँ पर हाईलाइट भी करूँगी, बोलती है सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये। तो क्या प्रॉब्लम है, अगर हूं तो हूं, अपने आप से प्यार करती हूँ तो करती हूँ, इसमें किस चीज़ की शर्म है या किस चीज़ का डर है, मुझे नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं है, अपने आप से प्यार नहीं करती है, तो वो आपका प्रॉब्लम है भाई। अपने आप से प्यार करना चाहिए। आप जैसे लोग होते हैं ना दूसरों में खामियां निकालने के लिए, इसलिए अपने आप से प्यार करना जरूरी होता है। ठीक है माई डियर फ्रेंड, मैं खुद से इसलिए प्यार करती हूँ। एनीवेज, ये जो मेहंदी लगवाने के लिए मैं गई थी, 600 रुपये मांग रहे थे भैया, बड़ी मुश्किल से 400 रुपये लिए इन्होंने। और इन्होंने डिज़ाइन दिखाया मुझे कि मैडम कौन सा लगवाना है, मैंने बताया ये लगा दो भाई। इन्होंने हाथ पे अपनी मर्जी से डिज़ाइन बनाया। तो देखो, कोई भी है अगर कोई काम करता है तो अपनी मर्जी से काम ना करें, सामने वाला जो बोल रहा है उस हिसाब से काम करें। और ये थाली है मेरी सिस्टर के घर का, जब मैं वहाँ गई थी, कितने सारे व्यंजन है इसमें। दिवाली पर इस बार मैं क्या बनाऊंगी मुझे नहीं पता है। आप लोगों के यहाँ क्या क्या बनता है कमेंट करके जरूर बताना। इसमें मूंग की दाल है, दाल बाटी चूरमा है, गट्टे के पुलाव है, सारी रेसिपीज आपको जल्दी जल्दी मिलेगी एक बार सेटल हो जाऊँ मैं। आज मैं आपको दिवाली स्पेशल 3 तरह की रेसिपीज दे रही हूँ, जो स्टोरेबल भी है, फटाफट बनती है, बहुत ही शानदार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, पकोड़े तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन एक बार आप मेरे तरीके से आलू के क्रिस्पी पकोड़े बनाना एक बार बनाकर पूरा दिन भी रखेंगे तो भी सुपर क्रिस्पी बने रहते हैं। जैसे बारिश का मौसम अभी शुरू हो रहा है तब आप ये रेसिपी ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। तो फटाफट ये रेसिपी बनती है क्योंकि इसमें आलू जो है कच्चे इस्तेमाल होते हैं। तो 300 ग्राम आलू लिए मैंने, इन्हें छील लिया है। उसके बाद हम इन आलू को एक साफ पानी में ग्रेट करेंगे बड़े वाली साइड से। तो कद्दूकस का जो भी बड़ा पार्ट हो आप उनमें से घिस लीजिएगा। ये देखिए पानी में ही डायरेक्ट घिसना है, अगर अलग से घिसेंगे तो काले पड़ सकते हैं। अब ये जो पानी में आलू आपने डाले हैं घिसे हुए, इन्हें 2 से 3 बार धो लीजिएगा, या फिर तब तक जब तक कि पानी साफ ना हो, तो जो स्टार्च है वो सारा निकल जाएगा इस तरीके से, और आपके पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो बस यहाँ पर आलू को डाला मैंने पानी में, 2 से 3 बार धोया, ये देखिए एकदम साफ पानी है। अब इन्हें निचोड़ लेंगे हम, तो दोनों हाथों की मदद से या फिर किसी कपड़े में बांधकर आप इन्हें निचोड़ लीजिएगा, पानी इसमें नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर आलू को निचोड़ कर मैंने एक बड़े बर्तन में डाला है। ये जो पकोड़े हैं यूनिक स्टाइल है, बहुत मज़े के बनते हैं। अब इसमें आधा कप डालेंगे कॉर्नफ्लावर, आप अरारोट भी डाल सकते हैं इसमें। 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डालेंगे, हरा धनिया स्वाद के हिसाब से डालें आप जैसा पसंद हो, और ग्रेटेड इसमें अदरक डालेंगे। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसे कद्दूकस कर लें या फिर कूट लीजिएगा। नमक स्वाद के हिसाब से 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, ये सारे मसाले डालें और अच्छे से हाथों से मिला दें। बस अब यहाँ पर ये ध्यान रखें कि पानी नहीं डालना है। आलू को हमने अच्छे से निचोड़ा है, लेकिन उसके बाद भी जब आप ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे तो आलू और नमक का जो कॉन्टैक्ट है ना, उससे थोड़ा सा पानी रिलीज होगा और उसी से ये जो है आलू अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। पानी नहीं डालना है, बस हाथों से थोड़ा सा प्रेशर लगाना है आपको। कॉर्नफ्लावर अगर नहीं है तो अरारोट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर वह होता है जिसे हम चाइनीज फूड बनाने में इस्तेमाल करते हैं, इजीली आपको राशन शॉप पे मिलेगा। तो मिश्रण हमारा तैयार है, इसे ज़्यादा देर वेट नहीं कराना है एक बार रेडी करने के बाद। अब एक कढ़ाई में डालें तेल और थोड़ा थोड़ा, इन्हें देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, आपको फिंगर से उठाना है और ऐसे ही डाल देना है कढ़ाई में। आपको लग रहा होगा कि बिखर जाएंगे, लेकिन ट्रस्ट में ये बिल्कुल नहीं बिखरेंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और 5 मिनट में आपके आलू के पकौड़े बनकर तैयार है, वो भी इतने टेस्टी कि हर कोई आपकी तारीफ करेगा। बारिश में पकौड़े सभी को बहुत पसंद है, तो आप ये रेसिपी ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएंगे। सुनहरा होने तक मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है, मीडियम हीट पर इन्हें पकाना है दोनों तरफ से। हर बार एक एक बैच जब आप बना रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि इन्हें मोटा मोटा नहीं बनाना है, फिंगर से उठाना है, थोड़ा फ्लैट शेप इनको आपको देनी है, तभी अंदर तक पकेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो बस सारे आलू के पकौड़े बना लिए हैं मैंने बिल्कुल इस प्रोसेस को फॉलो करके। आप इन्हें एक बार बना लेंगे पूरा दिन ये सुपर क्रिस्पी रहते हैं। देखिए बहुत ही शानदार ये बनकर तैयार है, टमाटो सॉस के साथ बहुत बढ़िया लगते हैं। तो अचानक से मेहमान भी अगर आते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब आप ये यूनिक से आलू के पकौड़े बनाना, 5 मिनट में बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार, सभी को पसंद आते हैं। बारिश अभी लगने ही वाली है, तब आप इन्हें रोज़ बना सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे।
तो बस सारे पकोड़े बना लिए हैं मैंने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बार जरूर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने सैंडविच बनाया है, लेकिन ये ब्रेड सैंडविच नहीं है। यकीन मानिएगा बहुत हेल्दी रेसिपी है जिसमें भरपूर सब्जियों का इस्तेमाल किया गया है। क्विक सी रेसिपी है, फटाफट आप बना लेंगे, ना तो कोई फर्मेंटेशन है ना ही कोई लेंथी प्रोसेस। तो क्विक सी टू टाइप्स की मैं नाश्ते की रेसिपी लाई हूँ, साथ में बहुत ही टेस्टी चटनी जिसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनाते हैं, वह भी दो तरीके का। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे हरी चटनी। चटनी के लिए ले लें हरा धनिया अपनी पसंद के हिसाब से, कुछ हरी मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन और सूखा नारियल हर घर में होता है, ड्राई कोकोनट, तो या तो आप वो ले लें। अगर आपके पास घर में नारियल का बुरादा है यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो क्विक सी चटनी है, फ्रेश नारियल की जो चटनी होती है बिल्कुल उससे भी बढ़िया टेस्ट इसका आता है। नमक स्वाद के हिसाब से डालेंगे। एक टेबल स्पून रोस्टेड पीनट्स डालिएगा, एक टेबल स्पून दालिया डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर चने की दाल को भून कर भी डाल सकते हैं, या फिर मूंगफली की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं तो भी चटनी स्वाद बनती है। थोड़ा सा दही डालेंगे और थोड़ा सा पानी और बिल्कुल ऐसा पीस लेंगे। तो ये हो गई हमारी क्विक सी टेस्टी सी स्टोरेबल चटनी तैयार। एक वीक तक ये बहुत बढ़िया रहती है, कुछ भी आपके घर में बन रहा है उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगती है। तो दो तरीके का नाश्ता आज हम बनाने जा रहे हैं, दोनों तरीके के नाश्ते के साथ एकदम परफेक्ट है। अब लिए है मैंने व्हाइट ब्रेड, चार लिए हैं मैंने। इनको देखिए मैं कैसे कट कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे आप इन्हें काट लीजिएगा। तो इंस्टेंट सी फटाफट सी रेसिपी है, ना तो कोई फर्मेंटेशन है और ना ही कोई तामझाम, फटाफट बनेगी और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद ही आते हैं, बड़ों के लिए भी एकदम परफेक्ट है। तो जब कुछ समझ ना आए, आप कुछ चटपटा खाना चाहते हैं और हेल्दी भी हो जिसमें कम तेल का इस्तेमाल हो, जैसे अब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी में कुछ भी हैवी खाने का मन नहीं होता, तब आप इसे ट्राई करना, आपको ये बहुत पसंद आएगा। अब लिया है मैंने आधा कप सूजी, इसमें डालेंगे आधा कप के करीब ताज़ी दही और जो ब्रेड बीच में से निकाले थे वो डालेंगे और टुकड़ों में कट करेंगे। आधा कप पानी डालेंगे और फाइन सा पेस्ट बना लेंगे बिल्कुल ऐसा। अब इस पेस्ट को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे बॉल में, थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि थोड़ा गाढ़ा है ये, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल ऐसा बैटर बना लें जैसा आप देख रहे हैं। 10 मिनट के लिए इसे ढक के रखें, तब तक दूसरा प्रोसेस शुरू करेंगे। तो 10 मिनट के बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची, एक गाजर है जिसको हमने कद्दूकस करके लिया है, हरा धनिया है, थोड़ा सा पुदीना भी डालेंगे, बहुत बढ़िया स्वाद आता है, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची, थोड़ा सा गर्म मसाला, आधा चम्मच जीरा, नमक स्वाद के हिसाब से अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए झटपट बनकर तैयार हो गया है। तो बस अच्छे से मिलाया मैंने इसे, थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, वापस से पानी डालेंगे। अब डालेंगे इसमें मीठा सोडा, तो थोड़ा सा मीठा सोडा इसमें डालें, तकरीबन 2 से 3 चुटकी, और 1 टेबलस्पून पानी डालें, अच्छे से मिला दें। परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है, बस बैटर हमारा बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे बहुत टेस्टी सैंडविच जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो बिल्कुल इस प्रोसेस से बनाना, कोई भी पैन ले लेना, उसमें हल्का सा तेल या घी ब्रश कीजिएगा, ध्यान दें ब्रश करना है, पोर नहीं करना है। अब ये ब्रेड के जो हमने यहाँ पर एजेस निकाले थे इनको कट नहीं करना है, ध्यान देकर काटिएगा। उसके बीच में बैटर पोर करेंगे और ऊपर से थोड़ा सा घी या बटर लगा देंगे और धीमी आंच पर इसको पकाएंगे, तब तक जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए। तो 2 मिनट के लिए पकाया मैंने इसको धीमी आंच पर, एक साथ आप 2-2, 3-3 भी बना सकते हैं, अगर आपका पैन या कढ़ाई बड़ी है तो एक साथ 2-3 भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक साथ एक बनाया है, दोनों तरफ से 2-2 मिनट के लिए पकाया है इसे धीमी आंच पर, और सारे बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं बना लेंगे। आप ब्राउन ब्रेड के साथ भी ये सैंडविच बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी सी ये रेसिपी है। आप बनाना, आपके घर में सभी को ये बहुत पसंद आएगी। आप चाहे तो आप ये हेल्दी टेस्टी से सैंडविच टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चे बना नहीं करेंगे, बार बार आपको बोलेंगे कि मम्मा सैंडविच बना दीजिए। तो यहाँ पर ये सैंडविच बनकर तैयार हो रहे हैं, बहुत क्रिस्पी हैं, अंदर से बहुत ही मज़े के हैं। तो बस सारे सैंडविच मैंने ऐसे बना लिए हैं, गैस की फ्लेम कर दी है बंद, और अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये कितने मज़े के बने हैं। तो है ना झटपट सी रेसिपी, इस भयंकर गर्मी में अगर कुछ हेल्दी टेस्टी बनाना चाहते हैं तो एक क्विक सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आपको पसंद आएगी। अब हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे जो कि और भी मज़े की है, इसमें भी बहुत कम घी तेल का इस्तेमाल होगा। देखिए कितनी फ्लफी, कितनी स्पॉन्जी लग रही है, और भर भर के हमने इसमें भी सब्जी डाली ही है। तो दोनों ही रेसिपी बहुत मज़ेदार है, क्विक सी है, झटपट सी है, लेंथी प्रोसेस किसी भी रेसिपी में नहीं है। तो चलिए इसे भी बनाते हैं, और आपको अगर मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो इन्हें लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसे बनाने के लिए आधा कप लिया मैंने साबूदाना, तो साबूदाना भी हर घर में होता है, इसे धो लें अच्छे से और आधा घंटे के लिए आधा कप पानी डालें इसमें। तो आधा कप साबूदाना अगर आप ले रहे हैं, बेसिकली जितना आप साबूदाना लेते हैं उतना ही पानी डालें और इसे ढक्कन लगाकर 1 घंटे के लिए रख दें। तो यहाँ पर 1 घंटे के लिए रखा मैंने इसे, तब तक हम ले लेते हैं यहाँ पर आधा कप मूंग की दाल, इसे 2 बार धो लीजिएगा
और इसे भी एक घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। तो दोनों ही चीज़ों को एक एक घंटा भिगो के रखा मैंने और देखिए एक घंटे में बिल्कुल सॉफ्ट ये साबूदाना हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट ये दाल भी हो गई है। तो जल्दी प्रोसेस करने के लिए दोनों चीज़ों को आप गर्म पानी में भिगो सकते हैं। आप दोनों चीज़ों का पानी निकालें और मिक्सी के जार में डालें और इन्हें इसमें डालेंगे हम यहाँ पर एक चौथाई कप के करीब सूजी, बारीक मोटी कोई सी भी सूजी आप ले सकती हैं। आधा कप डालेंगे पानी और फाइन सा पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल ऐसा बैटर बनाइएगा। अब यहाँ पर 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ गाजर, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ शिमला मिर्ची, 2 टेबलस्पून प्याज, 2 टेबलस्पून टमाटर, तो सारी चीज़ों की मात्रा 2-2 टेबलस्पून ले लें या फिर अपनी पसंद के हिसाब से हरी मिर्ची भी इसमें अपनी पसंद के हिसाब से डालें, हरा धनिया डालें, 1 छोटा चम्मच लाल कुटी हुई मिर्चें यानी कि रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच जीरा और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दें और ये बैटर भी एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल ऐसा बनाकर तैयार करना है। तो झटपट सी ये भी रेसिपी है और बहुत ही हल्की फुल्की सी रेसिपी है, गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट। इसमें नमक स्वाद के हिसाब से डालें, 2 से 3 चुटके डालेंगे मीठा सोडा, अच्छे से मिला देंगे। जैसे गर्मियों में होता है ना कि कुछ हैवी खाने का मन नहीं करता, तब आप इसे बनाना, ये ठंडक भी देती है, बहुत बढ़िया है। साबूदाना और मूंग की दाल दोनों ही बहुत हेल्दी होती हैं, बहुत टेस्टी होती है और बहुत हेल्दी ये रेसिपी बनती भी है क्योंकि सब्जियां भी बहुत ज़्यादा हैं इसमें और दोनों ही चीज़ें हमने ऐसी ली है जो आपको बाद में कूलिंग देगी। अभी जो बैटर है सोडा और नमक मिलाने के बाद इसे किसी नॉनस्टिक पैन पर इस तरीके से पोर करिएगा थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ऊपर से थोड़ा सा नमक डालें और ये सब्जियां जो आपने काट के रखी थी ये भी डालें। इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से पालक वगैरह, कॉर्न वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ऊपर से थोड़ा सा शुद्ध घी या बटर लगाएं, धीमी आंच पर इसे पकाएं, तब तक पकाएं जब तक कि एकदम बढ़िया से लाल लाल ना हो जाए। तो 2 से 3 मिनट में धीमी धीमी आंच पर ये पक जाएगा। दूसरी तरफ से इसको थोड़ा सा सेकिएगा, तब भी आपको धीमी आंच रखनी है, तो स्पैचुले से दबाते हुए सेकिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से सारी सब्जियां पक जाएगी, कलर भी बहुत ही शानदार आएगा और बहुत ही मज़े का बनकर ये तैयार होगा। तो इस भयंकर सी गर्मी के लिए 2 रेसिपीज मैं लाई हूँ, दोनों ही ट्राई करना, आपको पसंद आएगी। तो हर बार बनाने से पहले इस तरीके से आपको पैन साफ करना है, ज़्यादा घी तेल बिल्कुल ना डालें, थोड़ा सा ही आपको बस किसी टिश्यू पेपर से लगाना है या फिर ब्रश कर सकते हैं आप। बैटर को पोर करिएगा और बैटर अपने आप ही फैलने दीजिए, फैलाना नहीं है, जैसे डोसा वगैरह फैलाते हैं ऐसे नहीं फैलाना है। सब्जियां डालिए, ऊपर से हल्का सा नमक, थोड़ा सा घी या तेल और देखिए किस तरीके से ड्राई हो रहा है। तो जब तक ऊपर का पार्ट ड्राई ना हो तब तक इसे फ्लिप ना करें। तो जैसे ही ऊपर का पार्ट ड्राई होगा तब आप इसे फ्लिप कीजिए, दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा पकाइए, दोनों नाश्ते बनकर आपके फटाफट तैयार हो जाएंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही अमेजिंग नाश्ता जिसे बनाना बहुत ही आसान है, 10 मिनट में नाश्ता बन जाएगा, बहुत ही क्रिस्पी, सुपर टेस्टी, बनाने में आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार। खास बात यह है कि आप इसे एक बार बनाकर 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो जैसे बारिश का मौसम है या फिर टी टाइम है तब आप इसे एंजॉय कीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगता है। तो नाश्ता बनाने के लिए गैस के ऊपर रखेंगे कढ़ाई और फ्लेम रखेंगे बिल्कुल लो। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच तकरीबन 1 टेबल स्पून तेल, उसके बाद 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच कलौंजी, बहुत ज़रूरी है इसमें डालना, स्वाद बहुत इन्हेंस करता है ये। कुछ करी पत्ते हैं जिनको मैंने बारीक बारीक काट के डाला है, 1 कप पानी डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। 1 छोटा चम्मच डालेंगे इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें या फिर रेड चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद के हिसाब से डालिएगा, और 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें काली मिर्ची का पाउडर और बस 1 उबाल इस पानी में लगा लेंगे। तो मीडियम हीट पर 1 उबाल लगा लीजिएगा, उसके बाद 1 कप डालेंगे चावल का आटा, इजीली चावल का आटा आपको राशन शॉप पर मिल जाएगा। चावल का आटा डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे और धीमी आंच यहाँ पर रखेंगे। तो बस इस प्रकार से मिलाइएगा और गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम बंद कर दी है मैंने, अभी अच्छे से मिला देंगे। आपको ये मिश्रण यहाँ पर थोड़ा सूखा सूखा लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप इसे ढक के रखिएगा थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए या फिर तब तक जब तक ये ठंडा ना हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ी देर इसे ढक के रखेंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे ढक के रखा था, तो अभी हाथ से आप इसे छू कर देखिएगा, हल्का गुनगुना ही होना चाहिए। तो अभी ये हल्का गुनगुना है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पानी वगैरह यहाँ पे कुछ ना डाले, हाथों से ही मिक्स कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा, परफेक्ट मेजरमेंट है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। इनकेस आपको थोड़ा ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा नॉर्मल पानी आप डालकर इसका आटा जैसा बना लें। तो बस ये आटे जैसा मैंने बना लिया है, अब इस मिश्रण को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा। आटे जैसा बन गया है ये, तो अब इसे डिवाइड करेंगे कुछ हिस्सों में, जैसे बड़ी सी रोटी के लिए लोई बनाते हैं बिल्कुल ऐसी लोई आप इसकी काट लीजिए और चकले बेलन पे थोड़ा सा तेल लगाकर अच्छे से रोल कर लीजिएगा। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो आप कि ये स्टिकी है या फिर चकले बेलन पे चिपकेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप तेल लगाकर बेलिएगा और उसके बाद चाकू की मदद से इसके साइड के एजेस कट कर दीजिए।
अब यहाँ पर देखिए मैं चाकू से इसके स्ट्रिप मैंने काटे हैं, आप चाकू से काट सकते हैं या फिर पिज्जा कटर से भी काट सकते हैं। तो मैंने जैसे एक शीट को दो हिस्सों में काटा है, देखिए कितनी आसानी से इसके पीसेस निकल गए, एकदम परफेक्ट। तो ज्यादा मोटाई से ना बेले और ना ही ज्यादा पतला, तो ठीक सा बेलिएगा और सारे पीसेस इस प्रकार से निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पर आंच को मैंने मीडियम हीट पर रखा है और तेल को मीडियम हीट पर गर्म किया है। अब एक एक करके जितने भी कैपेसिटी कढ़ाई की है उस हिसाब से ये नाश्ता इसमें डालें और अच्छे से इसे फ्राई करें अलटते पलटते हुए। तो इसे सुनहरा होने तक हमें फ्राई करना है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो शीट्स हैं या ये जो आपने पट्टी यहाँ पर बेली है ये ज़्यादा मोटी ना हो, अगर ये मोटी होंगी ना तो क्रिस्पी नहीं बनेंगी, इसलिए इन पट्टी को थोड़ा पतला ही बेलें। मैंने इन्हें पट्टियों की तरह बेला है, आप इन्हें स्क्वायर में भी कट कर सकते हैं या फिर राउंड में भी कट कर सकते हैं, जैसा चाहे आप इन्हें शेप दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इन्हें पट्टियों में ही काटें। तो ये दिखने में अच्छा लगता है इसलिए मैंने इन्हें इस तरीके से पतला पतला काटा है और ये फ्राई भी जल्दी हो जाता है। तो बस सारी पट्टियों को मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिया है, उसके बाद इन्हें बाहर निकाल लिया है। अब इन्हें बिल्कुल ठंडा करेंगे, तो इन्हें बिल्कुल ठंडा होने दीजिए और उसके बाद देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। तो आप इन्हें चाय के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही मजेदार ये लगती हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और सबसे बढ़िया बात है एकदम फ्रेश है, घर में हमने इन्हें बनाया है। तो बस कुछ ही मिनटों में आपका टेस्टी चटपटा सा कुरकुरा सा नाश्ता बनकर हो गया तैयार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।